नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब वक्त हो गया है उस शो का जिसका आप हर रोज बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। तो शुरू होने वाला है घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब जनता की आवाज, आम आदमी को इंसाफ दिलाने वाला टीवी न्यूज का शो। घंटी बजाओ में हम वही खबर आपको दिखाते हैं जिसका सीधा असर एक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। आजकल हर तरफ सेना में भर्ती की सरकारी योजना अग्निपथ की चर्चा है। अग्निपथ को लेकर युवाओं के एक बड़े वर्ग में नकारात्मक धारणा है जिसका नतीजा हम हिंसक आंदोलन के तौर पर देख रहे हैं। तो सवाल यह कि क्या वाकई अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के लिए ठीक नहीं? आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोई भी सुधार शुरू में अप्रिय लगता है लेकिन उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं। सवाल यह है कि अग्निपथ के समर्थन में सरकार के तर्क सही हैं या युवाओं की चिंता वाजिब है? एक बात जो तय नजर आती है मौजूदा दौर में वो ये कि बेरोजगारों की अग्नि परीक्षा इस देश में लंबे समय से जारी है। युवाओं के मन में संदेह के पीछे वजह यह भी कि पहले की भर्तियां ही जब अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं तो नई योजना का कितना और क्या फायदा होगा। तो घंटी बजाओ की ये बड़ी पड़ताल देखिए और युवाओं की अग्नि परीक्षा लेने वाले सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार है? अग्निवीर के लिए तैयारी नहीं, अग्निवीर के लिए तैयारी है। हम लोग पूरा करियर बर्बाद कर दिया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब तो एग्जाम भी कैंसिल हो गया, अब तो हम कहीं का नहीं रहे। 25 साल बाद तो बेरोजगारी। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार है? 4 साल नौकरी करी, उसके बाद आके हम क्या करेंगे, मजदूरी या यहाँ पे सड़क पे गोलगप्पे लगाएंगे या यहाँ नाच छीलेगा? अग्निवीर के लिए तैयारी नहीं, उसमें अब जाने से मतलब लग नहीं रहा है कोई फायदा, अंदर से जो है ना टूट चुका है। तो क्या वजह है कि देश के नौजवानों का जोश हाई नहीं है? 25 साल बाद तो बेरोजगारी। ऐसा क्या हो गया कि सेना में भर्ती का जोश ठंडा पड़ने लगा है? 4 साल नौकरी करी, उसके बाद आके हम क्या करेंगे, मजदूरी या यहाँ पे सड़क पे गोलगप्पे लगाएंगे? आखिर क्यों सालों से सेना की तैयारी करने वाले अब हताश हैं? अंदर से जो है ना टूट चुका है। जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी देश को ये भरोसा दिला रहे हैं कि सुधार के लिए जो कदम सरकार उठा रही है भविष्य में उसका फायदा होगा। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। सेना में जवानों की भर्ती की नई योजना अग्निपथ को भी एक रिफॉर्म यानी सुधारवादी कदम माना जा रहा है। इसके जरिए एक तरफ सेना की औसत उम्र कम करने का लक्ष्य है तो दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को सेना में काम करने का मौका और अनुभव दिए जाने की बात कही जा रही है। फिर भी विरोध करने वाले कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना है ये दरअसल उनके साथ किया गया धोखा है। मुझे 5 साल हो गई तैयारी करते हुए, हमें सिर्फ नौकरी चाहेगी पूरी, ये हम बिल्कुल नहीं चाहेगा। आजीवन हमारी पेंशन भी होनी चाहिए, हम यहाँ आके क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे क्या करेंगे? जी 4 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए, पीओडी पहली बात तो हमें चाहिए नहीं बिल्कुल भी, कि इसके कुछ भी फायदे नहीं है कि 4 साल बाद हम गए 4 साल बाद हमने 4 साल नौकरी करी, उसके बाद आके हम क्या करेंगे, मजदूरी या यहाँ पे सड़क पे गोलगप्पे लगाएंगे? हालांकि सरकार और सेना की तरफ से लगातार इन नौजवानों के भ्रम को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक के बाद एक रियायतों का ऐलान किया जा रहा है। उम्र सीमा से लेकर 4 साल पूरा होने के बाद केंद्रीय सशस्त्र बलों में 10% आरक्षण तक का वादा कर दिया गया, लेकिन सेना में भर्ती के इच्छुक नौजवान इस पर खुश नहीं है। ये कह रहे हैं कि उनके बाद हम उसे वो देंगे 10% का कोटा हर चीज में, BSF में, ISF में, इसमें। अभी जो उससे पहले जो नौकरी चल रही BSF वालों की यही पूरी नहीं हो रही, ये सरकार कहाँ से पूरी करेगी? नहीं, मुझे ये कहना है कि जो 4 साल बाद युवा आएगा
ये कह रहे हैं कि BSF CRPF वगैरह वगैरह ठीक है डेडनेस, तो ये हम कह रहे हैं कि 10% कोटा मिलेगा। अगर सेना को जाना होता तो वो डायरेक्ट जाएंगे, घूम के थोड़ी जाएंगे। जब जिस बंदे को पसंद होगी वो उसमें तो जाएगा, वो 4 साल बाद क्या करेगा। तो इस तरह के तमाम सवाल उन युवाओं के मन में बने हुए हैं जो अब तक सेना में भर्ती का सपना संजोए हुए थे। रोज सुबह उठकर कुछ इस तरह अपना पसीना बहाने वाले आदित्य ये मानकर चल रहे थे कि जल्द ही उन्हें सेना में नौकरी मिल जाएगी और वो अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे, लेकिन अब भर्ती की नई योजना ने उनके हौसले को तोड़ दिया है। ट्रेन चल रही है, आपको दिख रहा है, इनको दिख रहा है, उनको दिख रहा है, हम लोग जिंदगी जरूर नहीं दिख रहा है। कैसे जिंदगी पे कैसे असर पड़ा मुझे बताइए, आपका शरीर पसीने से लथपथ है, एक मैराथन दौड़ने वाले की तरह आपने शरीर बनाया, मेहनत की है, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया 5 साल। अब घर वाला बोल रहे कि अब जाओ कमाने, बहुत दौड़ लिए, बहुत पढ़ लिए, हर दिन 100 रुपये लगा के जाते हैं पढ़ने के लिए, बाइक में तेल डाल के। पापा कहाँ से थे, पापा ही समझते हैं। पापा बोले कि अब क्या करोगे, 4 साल का हो गया, 4 साल के बाद क्या करोगे। सिवान के इस इलाके में अब से कुछ दिनों पहले तक सुबह के वक्त 50 से 60 युवा कसरत करते नजर आते थे, लेकिन अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से इन युवाओं की संख्या घटकर 10 से भी कम हो गई है। अब तक सेना की नौकरी के लिए दौड़ लगाने वाले पवन कुमार अब खुद को इस रेस से बाहर बता रहे हैं। अग्निवीर के लिए तैयारी नहीं करेंगे, उसमें अब जाने से मतलब लग नहीं रहा है कोई फायदा, उसमें जाने के अब मतलब अंदर से जो है ना टूट चुका है आर्मी में जाने का सपना। ये इससे तो मेरा दोस्त देख लीजिए, 3 आदमी दौड़ रहे हैं, कितना लोग यहाँ पे 30 लोग दौड़ते थे, अभी 3 आदमी दौड़ रहे हैं, है ना सर। मैम मेरे में भी बोलेगी और कोई नहीं जा रहा, तुम भी मत जाओ। ये सब घर के भी लोग बोल रहे हैं कि क्या करोगे, अभी से कुछ सोचो, उसमें होगा कि नहीं होगा उसमें भी कोई ठीक नहीं। तो क्या तैयारी करिएगा, दौड़ तो आप रही है ना, तो क्या स्टेट पुलिस कहाँ करेंगे, ये बिहार पुलिस में है आराम से, साइड से पैसा होगा दिया जाएगा, हो जाएगा बिहार पुलिस में। ये आलम आ गया है कि साइड से ही होगा ना, इसमें तो पूरा एकदम साइड से आप 10 लाख दीजिए नौकरी पाइए बिहार पुलिस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिहार पुलिस में। मैं प्रैक्टिस इसलिए छोड़ा हूँ कि मेरा जो रिटर्न था, जो बचा था, लास्ट उम्र था, मेरा लास्ट GD था, रिटर्न बचा था वो कैंसिल हो गया, इससे मैं बहुत नाराज हूँ, सरकार से भी नाराज हूँ। पिछले नियम में भी तो मौका था ना, 23 साल तक था, नर्सिंग था, 21 तक GD था, उसके बाद नर्सिंग है, टेक्निकल आप किसी में भी जा सकते हैं, तो पिछली बार भी तो मौका था ना, उससे तो कोई फायदा है नहीं। सिर्फ सिवान नहीं, सेना की तैयारी करने वाले देश के तमाम नौजवान सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि इतने सालों से उन्होंने जो मेहनत की, जो परीक्षाएं पास की, उसका क्या होगा। एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं जिनको एग्ज़ाम देने थे, जैसे मैं भी डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और मैंने भर्ती को क्लियर किया था, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट मेरा क्लियर हो रखा है और मैं एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहा था, बट एग्ज़ाम अचानक से कैंसिल कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोगों को उसको क्लियर करना चाहिए। जो पहले जो एग्ज़ाम वगैरह हो चुके थे, इनका रिजल्ट आना बाकी था, इनका सिर्फ एग्ज़ाम बाकी था, फिजिकल हो चुके थे, अचानक वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं, जबकि उनमें ये मेंशन नहीं था कि आपको TODA के लिए बुलाया जाएगा, ये भी बहुत गलत चीज़ किया है, इससे भी युवाओं में आक्रोश है। दरअसल कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में सेना में भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन जो नौजवान उससे पहले परीक्षाएं पास कर चुके थे वो इस इंतजार में थे कि भर्ती शुरू होते ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अग्निपथ योजना के साथ ही पुरानी भर्तियां रद्द हो गईं। हमने 2020 में एयरफोर्स की जो ग्रुप XY की होती है, वैकेंसी आती है, हमने उसके लिए फॉर्म भरा, उसका एग्जाम नवंबर में हुआ, नवंबर 2020 में हमने वो एग्जाम पास किया। उसके बाद 12 जनवरी को हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ, हमने वो पास किया। उसके बाद हमारा साइकोलॉजी टेस्ट हुआ, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ, हमने वो भी पास किया। उसके बाद 5 फरवरी को हमारा मेडिकल एग्जाम हुआ, हमने वो भी पास किया। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग सिर्फ बाकी थी और अब 14 जून को जैसे ही सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की, उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारी पुरानी जितनी भी भर्ती थी सब रद्द कर दी। चक्कर है भाई, चक्कर है। हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने वाले ये युवा 2018 में सेना की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, ये ग्राउंड और मेडिकल टेस्ट में भी पास हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई। इनकी मांग है कि सरकार को पहले पुरानी भर्ती पूरी करनी चाहिए, फिर नई योजना लागू करनी चाहिए। आज हमें 2 साल हो गए हैं सर घर में बैठे, हमने कॉलेज छोड़ दिए इसके लिए सर, गरीब करके सर, लड़के हम दिहाड़ी लगा के हम सर एकेडमी जाते हैं, हम क्या करेंगे, हमको बताओ आप,
सरकार क्यों नहीं सोच रही सर इसके बारे में? हमें मतलब जो हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ है वो पूरा होना चाहिए बस, ये सरासर गलत है और युवाओं के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है ये। तो अब सवाल है कि ये सही कैसे होगा? जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे उनके लिए सरकार कोई नया बदलाव करेगी क्या? घंटी बजाओ की अब अगली रिपोर्ट। असम के 35 में से 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस सीजन में ही अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है? क्या उन अधिकारियों की गलती नहीं जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी? क्या उन नेताओं की गलती नहीं जिन्हें जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए चुनकर भेजा था? इसीलिए आपको 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर उन अधिकारियों और नेताओं की घंटी बजानी है जो पानी सिर से ऊपर जाने पर जागते हैं और फिर बाढ़ को कुदरत का कहर कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। आप देखते जाइए, लेकिन असम के दर्द की तस्वीरों का अंत नहीं होगा। असम का दर्द हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। 10 जून को 4 जिलों पर बाढ़ का असर था जो अब बढ़कर 33 हो गया। 15 जून को 18 जिलों के 314 गांव बाढ़ से प्रभावित थे। 16 जून को बाढ़ ने 25 जिलों के 1702 गांव को चपेट में ले लिया। 17 जून को 28 जिलों के 2903 गांव तक बाढ़ पहुंच गई। 18 जून को 32 जिलों के 4291 गांव बाढ़ पीड़ित हो गए। 19 जून 33 जिलों के 5137 गांव तक बाढ़ ने तंग करना शुरू कर दिया। इस माँ को देखिए जो अपने बच्चों को बाढ़ से बचाने की जुगत में लगी है, या एलपीजी पहुंचाने की ड्यूटी पर लगे इस ट्रक को देखिए जो भूस्खलन में फंस गया और अब जिसे निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा, या फिर पहाड़ों को तोड़कर तेज आवाज से बहते इस झरने को देखिए। ये सब कह रहे हैं कि असम में हालात भयावह हैं। अब असम के 35 जिलों में से 33 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। करीब 42 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम की ये बाढ़ अब तक 73 लोगों की जान ले चुकी है। मृतकों में नगांव जिले के एक थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए गए थे लेकिन खुद बाढ़ में बह गए। बाढ़ के हालात के चलते करीब 2 लाख लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा। बाढ़ पीड़ितों के लिए 744 राहत शिविर बनाए गए हैं। पानी के लिए सबका लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, कोई निकल नहीं सकता है, कोई ऑफिस नहीं जा सकता है। वो हम लोग का ये दुकान है, पूरा पानी ही पानी है। अंदर में घुस के बहुत सामान खराब हो गया, फ्रिज वगैरह सब खराब हो गया। तो परिस्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो गया है। हम लोगों का तो घर में वो देख रहा है आप लोग कैसे माने पानी घुस रहा है। हाँ, तो अभी तो वो जितना आदमी था वहाँ तो माने वो दूसरा जगह चला गया है। असम का दर्द सिर्फ आंकड़े नहीं बयां कर सकते हैं। असम का दर्द असम के लोगों को हर वर्ष बाढ़ के तौर पर झेलना पड़ता है। साल दर साल होने वाले इस दर्द को मैंने भी झेला है, क्योंकि मैंने कई बार असम से जाकर बाढ़ की रिपोर्टिंग की है और आप तक उन लोगों के दर्द को पहुंचाया भी है। लेकिन हर बार बाढ़ का कहर सिर्फ प्रकृति का गुस्सा नहीं होता है, कई बार ये सरकार की नज़रअंदाजगी और बद इंतजामी का नतीजा भी होता है जो असम के लोग हर वर्ष झेल जाते हैं। सवाल सरकारों पर है, सवाल इंतजामों पर है, सवाल ये कि 21वीं सदी में आखिर तमाम साधन होने के बाद भी चौतरफा कहर को रोका क्यों नहीं जा सका? एक तरफ बाढ़ में फंसी जिंदगी, दूसरी तरफ भूस्खलन की मार, तीसरी तरफ फसल को बर्बादी से आर्थिक मार, चौथी तरफ विकास पर ब्रेक। ये 4 तस्वीरें असम की बर्बादी की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 56,000 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है, जबकि 22,000 वर्ग किलोमीटर बराक नदी घाटी में है। इसीलिए यहाँ बाढ़ और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है।
इतना ही नहीं, नदियां अपने साथ भारी तादाद में गाद लाती हैं, जिससे ना निपटे जाने पर बाढ़ को टाला नहीं जा सकता। तो यार इन्हें कुछ कमी नहीं रह गया, हाँ ये ठीक है, पूर्वानुमान में थोड़ा कमी रह गया, क्योंकि असम लास्ट 1000 ईयर्स इसे बाढ़ का सामना कर रहा है। ये वैली में बहुत कॉमन एक सिचुएशन है, लेकिन इस बार बारिश ज़्यादा होने से सिचुएशन ज़्यादा खराब हो गया। दरअसल असम की बनावट ऐसी है कि यहाँ पर बाढ़ की आशंका लगातार बनी रहती है। काजीरंगा जैसे इलाकों में तो बाढ़ एक जरूरत है, क्योंकि वो हर साल नई फसल के लिए नया पानी लेकर आती है और पुरानी मिट्टी को बहाकर लेकर चली जाती है। लेकिन सरकार को जरूरत है थोड़ी बेहतर तैयारी की, और इस तैयारी का एहसास तब होता है जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है, आधे से ज्यादा असम डूब जाता है, और उसके बाद सरकार एकदम से एक्शन मोड में आ जाती है और काम करने की कोशिश दिखाने शुरू कर देती है। आज ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई मार्ग से राहत सामग्री गिराने का निर्देश दिया गया। ओहाकाली इंडियन एयरफोर्स से प्रथम बारर बाबे 1,00,000 लीटर डीजल पेट्रोल लई शिलचर लेके विशेष विमान चलाब। आगते इमान डांगर अहोमर इतिहासत एयर ड्रपिंग इमान बृहत परिमाणे केतिया हुआ नासिले। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे विशेष रिलीफ ट्रेन चलाबर बाबे तेओलुके आमाक आग्रह प्रकाश करिसे। ये निर्देश इसलिए देना पड़ा क्योंकि बाढ़ प्रभावित अधिकांश इलाके रेल और सड़क मार्ग से कट चुके हैं। यहाँ बिजली और खाने का कोई बंदोबस्त नहीं, इसीलिए NDRF, SDRF राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। माना ये भी जा रहा है कि अनियंत्रित इंसानी गतिविधियों से भी हालात बिगड़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र वैली में बाढ़ का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये वैली ही ऐसा है जियोलॉजिकली बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार को लोगों को कुछ सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, वो ही प्रिपरेशन। पहले से ही हम लोग को बाढ़ के लिए खुद को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि असम में हो रही बारिश आंकड़ों के अनुसार पहले से कम हो रही है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पिछले वर्ष से भी कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है, लेकिन बाढ़ का कहर कहीं भी कम नहीं हो रहा है। जानकार इसे जलवायु परिवर्तन और उसके पीछे के सारे कारण ही बता रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग की क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस रिपोर्ट कहती है 30 साल में असम में बारिश घटी है, लेकिन बाढ़ का कहर बढ़ा है। इसकी वजह है कि अब कम दिनों में ज्यादा बारिश हो रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डाटा है वो डाटा के अनुसार इस बार जून महीने में अभी तक जो रेनफॉल हुआ है वो है 16.4 मिलीमीटर, और लास्ट ईयर जून में ये था 13.6 मिलीमीटर। लास्ट ईयर क्यूमुलेटिव रेनफॉल अमाउंट था 266 मिलीमीटर, और इस साल जून महीने अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, इस साल अभी तक वो डाटा है 546 मिलीमीटर, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इस बार ज़्यादा हुआ रेनफॉल। इसीलिए बाढ़ का जो सिचुएशन है वो ज़्यादा खराब हो गया। हालात गंभीर हैं, और ऐसे में सरकार का काम सिर्फ राहत सामग्री बांटना नहीं, बल्कि वो सारी तैयारी करना है जिससे बाढ़ कम आए, और अगर आए तो नुकसान कम हो। दावे बहुत हैं, लेकिन सच्चाई वही है जो सामने दिखाई दे रही है। केंद्रीय जल आयोग के बुलेटिन के अनुसार कोपली नदी नगांव जिले के कामपुर में, ब्रह्मपुत्र नदी निमाटी घाट, तेजपुर, गुवाहाटी, कामरूप, गोलपारा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुबनसिरी, पुथीमारी, पगलाडिया, मानस, बेकी बराग और कुशियारा नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बस दुआ ये मांगी जा रही है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश ना हो और बाढ़ का कहर कम होने से राहत मिले। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। जिस तरह पल पल की खबरें बदलती रहती हैं, उसी तरह खबरों के हमारा रिश्ता भी बदलता रहता है। मैं अखिलेश आनंद घंटी बजाओ के इस हिस्से में इस वक्त जिस खबर की बात करने जा रहा हूं, वो खबर तो एक है, लेकिन उसका मुंबई में रहने वाले हर शख्स की जिंदगी से रिश्ता अलग अलग है।
बीती रात से मुंबई में रिमझिम बारिश हो रही है। इससे मुंबई में गर्मी तो कम हुई, कुछ लोगों के लिए ये मौसम सुहाना भी हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये बारिश मुश्किलों की बरसात बन गई है। तो पहले देखिए सुहाने मौसम का नजारा, फिर दिखाएंगे कैसे मुश्किलों की आफत ला सकती है ये बरसात। बीती रात से ही मुंबई में हो रही लगातार बारिश से मुंबई का मौसम बेहद सुहाना हो गया है। मुंबई में मानसून 10 या 11 जून तक दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार मुंबईकरों को लंबा इंतजार करना पड़ा। मैं इस वक्त मुंबई के खूबसूरत इलाकों में से एक मरीन ड्राइव पर हूं और मरीन ड्राइव की यह खूबसूरती इस बारिश की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मुंबई का ये समुद्री किनारा, दक्षिण मुंबई का इलाका और ये अरब सागर समुद्र, और देखिए समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, लेकिन जो पूरा परिसर है दक्षिण मुंबई का इलाका है बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। दूर आप वालकेश्वर इलाके से नज़र दौड़ाना शुरू करें तो वालकेश्वर, चरनी रोड, ग्रांट रोड, मरीन लाइन्स, चर्च गेट, ये जो पूरा परिसर है वो बादल में खोया हुआ नज़र आता है। और मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने की वजह से पूरा इलाका बेहद सुहाना हो गया है और इस सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं। मैं फिलहाल मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं किस तरह से बारिश का आनंद ले रहे हैं, रिमझिम बरसात हो रही है उसका आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब आओ, कुदरत का नजारा लो, एंजॉय अच्छा एंजॉय करें और सेफ्टी से करें। मौसम विभाग ने जिस प्रकार की चेतावनी दी है कि आज और कल मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी, यहां तक कि आज के लिए अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि मुंबई में आज तेज मूसलाधार बारिश होगी। साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस ने चेतावनी दी है कि लोग समुद्र के भीतर ना जाएं या किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। मुंबई में बरसात के साथ जहां एक तरफ लोग आनंद ले रहे हैं, वहीं यहां मॉनसून आने से पहले नालों की सफाई 100% पूरा करने का दावा करने वाली बीएमसी की पोल भी खुल रही है। हमारी रिपोर्टर लता शर्मा ने कुछ ऐसे इलाकों की पड़ताल की जहां बीएमसी का ये दावा खोखला दिखाई दे रहा है। आप देखिए मुंबई के नालों की सफाई पर हमारी ये स्टेटस रिपोर्ट। क्या मानसून में मुंबई महफूज रहेगी? क्या बीएमसी का दावा है सच्चा? मुंबई में नाला सफाई का रियलिटी चेक। मुंबई में बरसात शुरू होने ही वाली है। इस बीच मुंबई महानगर पालिका ने ये दावा किया कि बारिश से पहले की जाने वाली तैयारी 100% पूरी हो चुकी है और बीएमसी अब बारिश के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मुंबई में नाला सफाई 108%, छोटे नालों की सफाई 124%, शहर में सफाई 115%। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ वो कुछ ऐसी हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि नाले की सफाई कितनी हुई है। ये इलाका है वडाला स्थित एंटॉप हिल का, दुर्गा मंदिर जो है उसके पीछे झुग्गी बस्तियां हैं। उस झुग्गी बस्तियों में कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसी के पीछे यहाँ पे एक नाला है जो कि 2 साल से साफ नहीं किया गया है। नाला इतना भर चुका है कचरे से कि जो पूरी प्लास्टिक की थैलियां हैं, जो पूरा कचरा है नाले के ऊपर आ चुका है, जिस वजह से अब जो ये एक नाला था पूरा ढक चुका, अब ये एक कचरा फेंकने वाली जगह हो चुकी है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से आज तक कोई ना आदमी भी नहीं आया यहाँ पर, मैनुअल भी काम नहीं किया ना मशीनरी भी आके यहाँ पर काम नहीं किया। आप देख रहे हैं ना पूरा कैसे कैसे कचरा पूरा भरा हुआ है। ये कचरा भरने के नाते पूरा संगम नगर से, भारती कमला नगर से, कोयला गली से, सब एरिया से पानी इसी नाले में आना है। तो गया साल जो है पूरा ये नाला भरने की वजह से पूरा एरिया में पूरा हर घर पूरा डूब गया। सब पूरा घर बोला था फर्स्ट फ्लोर पूरा पूरा का डूब गया, सब सामान पूरा पूरा नुकसान हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं कि बीएमसी के दावे कितने खोखले हैं। कब से इसकी सफाई नहीं हुई है और 2 साल से नहीं हो रही है, और हो रही है 2-3 साल से तो बहुत कम हो रही है कि आते हैं और चले जाते, इस तरह से खाली दिखावा है।
अभी बारिश में जो है इतना तकलीफ होता, घरों में इतने इतने कीड़े आते हैं। हम लोग की मजबूरी, हम लोग यहाँ रहते हैं, गंदगी तो बहुत है, क्या कर सकते हैं। पानी तो घर में आ जाता है, पैसा रहे तो मट्टी डालाए, पटाए, उचाए, ना रहे जिसके पास है वो तो मुसीबत में है, परेशानी में। पानी जब गटर भर जाता है तो हमारे घर में कीड़े बीड़े जाते, बच्चे लोग के कान बेमिन में घुसते, लेकिन कोई इसका कार्रवाई करता नहीं, आता नहीं, कोई देखता नहीं, हम लोग गरीब लोग। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर नाले की सफाई पूरी हो चुकी है तो क्या ये तस्वीरें जो यहाँ पे दिख रही हैं, जहाँ पे पूरा तरीके से कचरा भरा हुआ है, नाले पूरे ढक चुके हैं कचरे से, और अगर जब यहाँ पर बारिश होगी, तेजी से बारिश होगी, तो क्या यहाँ पानी नहीं भरेगा, क्या यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो उनकी जो सुरक्षा है वो कम नहीं हो जाएगी, उनकी जो हेल्थ है क्या उस पे सवाल नहीं उठेगा, क्या वो बीमार नहीं होंगे। यही सारे सवालों के साथ एबीपी न्यूज सवाल पूछता है बीएमसी से कि उनका जो दावा है, महानगर पालिका का जो दावा है कि जो नाले हैं साफ हो चुके हैं 113%, 108%, क्या वो सच है। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। 10 सीटों पर हुए चुनाव में से बीजेपी ने 5 सीटें जीत ली, जबकि बाकी की सीटों पर शिवसेना के 2, एनसीपी के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार को जीत मिली है। हालांकि अभी नतीजों का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हमारे साथ रौनक कुकड़े, हमारे सहयोगी, जुड़ गए इसी खबर पर। रौनक, क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है? जी निश्चित तौर पर अखिलेश, राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस का जो रणनीतिक उन्होंने जो बनाई थी वो यहाँ पर कामयाब होती हुई दिख रही है। खास तौर से अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास कुल 113 वोट थे और एक जो उनके उम्मीदवार है उनको 36 वोटों की जरूरत थी, करीबन 37 वोट जो है वो बीजेपी के उम्मीदवारों को मिले हैं और पूरे 5 उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर विजयी होते हुए दिख रहे। कुछ देर बाद इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन मुख्य तौर पर अखिलेश इस पर समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के वोटों में और शिवसेना के वोटों में जबरदस्त सेंधमारी जो है देखने को मिल रही है, उनके वोटों में क्रॉस वोटिंग हुई और जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया है वो बीजेपी को फर्स्ट प्रेफरेंशियल के वोट मिले, इसकी वजह से तो उनके 5वें उम्मीदवार थे प्रसाद लाड, उसकी यहाँ पर जीत होती हुई दिखती है। खास तौर से अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर आज के नतीजे जो है वो देखे जा सकते हैं। अखिलेश जी शुक्रिया रौनक कुकड़े इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी की जो रणनीति थी उसमें पूरी तरीके से कामयाबी मिली है बीजेपी को और उसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो 5 सीटें उन्हें मिली हैं, जिनमें 2 एनसीपी, 2 शिवसेना और 1 कांग्रेस के खाते में। घंटी बजाओ में अब बात करेंगे महिला सुरक्षा के लिए जारी फंड की बर्बादी की। केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया योजना बनाई थी ताकि पुलिसकर्मियों को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से निपटने में मदद मिल सके। हाल ही में निर्भया फंड के तहत मिलने वाली राशि से मुंबई पुलिस को सैकड़ों चार पहिया और दुपहिया वाहन दिए गए, जिसमें करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खबर यह है खरीदे गए वाहन पुलिस ग्राउंड में धूल फांक रहे हैं। फिलहाल मेरे पीछे जो आपको दुपहिया वाहनों की लंबी कतार दिख रही होगी उसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी गाड़ी के शोरूम के गोडाउन से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन आप गलत हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नायगांव पुलिस ग्राउंड में और आप मेरे पीछे जो ये गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहे हैं ये मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा पुलिस को मुहैया कराई गई थी। दरअसल निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया था और उसी फंड के अंतर्गत राज्य के अलग अलग पुलिसों को महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड जो है वो एलोकेट किया गया था और उसी फंड के अंतर्गत इन्हीं जो दुपहिया वाहनें जो हैं वो पुलिस को एलोकेट की गई थी। लगभग 30 करोड़ का जो फंड है अब तक मुंबई पुलिस को एलोकेट कर दिया गया है और ये 350 गाड़ियां जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। मार्च के महीने में ही मुंबई पुलिस को ये गाड़ियाँ मिल चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से 3 महीने बीतने के बाद भी ये गाड़ियाँ धूल फांक रही हैं और बारिश का मौसम अब शुरुआत हो चुका है तो ऐसे में जंग लगने की प्रक्रिया जो है इन गाड़ियों में अब शुरू हो गई है। निर्भया फंड के तहत मुंबई पुलिस को मार्च महीने में 220 SUV, 35 MUV और 350 बाइक मिली। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तब उनकी तरफ से कहा गया इस सवाल का जवाब मुंबई पुलिस कमिश्नर अच्छे से दे सकते हैं,
मुंबई पुलिस कमिश्नर से जब इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 300 से अधिक गाड़ियां जो इस तरह वेस्ट पड़ी हुई है, कब से जो काम में लाया जा सकेगा? मेरे ख्याल से ये सवाल आप सीपी साहब से पूछेंगे तो अच्छा है। जिस तरीके से इन गाड़ियों की ये दशा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ पेपर पर फंड पास करा लिया गया है, गाड़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन मुंबई पुलिस इस गाड़ियों का इस्तेमाल ना के बराबर कर रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज मुंबई। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।